कैसा लग रहा है आज स्नो स्टॉर्म देखकर? भाई जमा नहीं मजा आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ बस फंसी हुई है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरी सपोर्ट करो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में आपको एक्सपीरियंस कराने जा रहा हूँ पहला स्नो स्टॉर्म है कनाडा का इस साल का 2022 का। ओह फक। वो देखिए। हम करते तो 20 सेंटीमीटर स्नो पड़ी हुई है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये हमारा बेसमेंट का डोर है और इतनी स्नो पड़ी हुई है। 25 सेंटीमीटर तो लग रहा है मुझे ये। और अभी यहाँ से मनदीप साफ करेगा। इतनी स्नो साफ कितनी कितनी कनाडा आ गए? और नहीं पहले ही है यार, मैं ना इतनी स्नो कभी पई नहीं। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਯਾਰ। ਮਨਦੀਪ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕੋਈ। ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਨੋ ਵੇ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਹੈ कि मनदीप का आज काम था, हर जगह इतनी स्नो पड़े तो काम बंद हो जाते हैं। आपको एडवाइस कर दिया जाता कि आप घर पे रहो क्योंकि एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अभी मनदीप भी काम से घर पर है, मैं भी घर पर हूँ, स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं, कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं। आज के दिन इतनी ज़्यादा स्नो है, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे मैं और मनदीप कि यहाँ से हम रोड पर निकल सकें ताकि कोई स्टूडेंट जा रहा हो जिसको ज़रूरत हो, क्योंकि ऐसे मोमेंट पे कई स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है, उनकी हेल्प कर सके। ये देखिए छोटा मास्टर से हाय। की होया? की होया? ओह माय गॉड, इतने एक दो गड्डियां दिया ही। ओह फक मैन। ओह द ट्रबल इज विद द। ये हमारे लैंडलॉर्ड है भाई अनवर हैदर साहब। लॉर्ड है, लॉर्ड लॉर्ड है, ये लॉर्ड है, सब मजदूर है यार। गाड़ियों का हाल देखिए। आपने ऐसी स्नो देखी कितनी देर हो गई है? मोर देन टू ईयर्स। मैंने 2016-17 में देखी थी। दोस्तों आप देख सकते हैं शी जीशल से हाय। देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्नो है। ये गाड़ी का टायर है और कितना अभी मैंने साफ किया है और कितनी स्नो ऊपर तक लगी हुई थी। ये देखिए अभी और भी कितनी स्नो साफ करनी पड़ेगी निकलने से पहले। ये गाड़ी का हाल है। और ये भी देख लीजिए मुछों के बाल, मुंडे के मुछा दे बाल जम गए हुए ने। सीन वगी जांदा मैं। कनाडा सफेद हो गया सारा है। हाँ। सारा ही कनाडा सफेद हो गया। हमने ड्राइवर से साफ किए थोड़ी बहुत स्नो और अब ये क्या मिला हमें? हमें मजदूरी मिली, मजदूरी मिली है जैसे मजदूरी को मजदूरों को मिलती है। चाय का टाइम हो गया। थैंक्स टू वत्सल एंड अमितेश, ये इनकी गाड़ी 4x4 थी और ये पहले बार थे तो इनको हमने इन्होंने मुझे बक कर लिया। और हम कोशिश कर रहे हैं किसी को हेल्प चाहिए हो तो उनको हेल्प देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ बस फंसी हुई है तो अभी बस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी स्नो में दब चुकी है बस। तो दोस्तों अभी हमने इस कपल की हेल्प की, दोनों जा रहे थे, इनके पास गाड़ी थी लेकिन स्टक हो चुकी थी स्नो में तो इनको वॉक करके जा रहे थे। हमने पूछा तो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, तो उनको
बहुत ठंड है बाहर, बहुत मुश्किल होनी थी अगर चलकर जाते तो। अभी हम ढूंढ रहे हैं कि किसी और को जरूरत हो। ਛੱਡ ਦਈਏ ਬ్రో ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਹੀਂ ਅਹੀਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਅਹੀਂ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਆ ਬ్రో ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਅਭੀ ਰਵਨੀਤ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾ ਰਵਨੀਤ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ विशाल को 20 दिन हुए हैं कनाडा आए हुए। रवनीत को 6 महीने हो गए हैं, एक नर्दन कॉलेज से है और दूसरा है हम्बर कॉलेज से। तो कितनी देर हो गई थी आपको वेट करते हुए वहाँ बस स्टॉप पे? तकरीबन एक से डेढ़ घंटा हो गया था बस स्टॉप पे वेट कर रहा था, पर बस नहीं आई कोई। तो अच्छा लगता है कि यू नो जब मैं स्टूडेंट था तो हम सोचते होते थे कि शायद हमारी भी कोई मदद करने आता जब इतना स्नो स्टॉर्म था। और मैंने सोचा था कि जब ऐसा स्नो स्टॉर्म आगे आएगा और मेरे पास गाड़ी होगी तो मैं लोगों स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहूँगा। और मेरे साथ अमितेश और वत्सल हैं, सो थैंक यू टू दोज गाइज। उनकी गाड़ी चल रही है, मेरी गाड़ी इस मौसम में नहीं चल सकती थी। और आई होप रवनीत और विशाल भी ये ट्रेडिशन जब इनके पास गाड़ी होगी ये भी आगे चालू रखेंगे। हेल्प तो करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे जैसे और भी स्टूडेंट्स वगैरह तंग हो, क्योंकि बहुत तंग होते हैं। अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ, लड़कियाँ बाहर खड़ी हैं बस स्टॉप्स के। मेरे पास ट्रेलर होता तो मैं भर देता, लेकिन हम कोशिश करेंगे। तो अभी हमने एक और पढ़ ला है ब्रो, कपल को छोड़ा है। कपल पता नहीं था कि नहीं, लेकिन लड़का और लड़की थे। एंड काफ़ी लोगों को मदद चाहिए ऐसा पता चल रहा है, क्योंकि बसेस बहुत लेट हो रही हैं, बहुत स्टक हो रही हैं। तो अभी हम देखेंगे, थोड़ा और एरिया में घूमेंगे जहाँ स्टूडेंट्स को नीड हो या किसी को भी नीड हो जिसको दिक्कत आ रही हो। तो अभी चलते हैं और आपको और दिखाते हैं, लेट्स गो। आजो आजो, अहीं हुने छड्ड के आए किसी नू, अहीं इससे कम नू निकले, आजो, डोंट वरी मैन। ओके, मेरे साथ है हरप्रीत, इनको छोड़ रहे हैं वॉलमार्ट। हरप्रीत हार ना मन्यो, इदा ही लाइफ चलती रहनी है, स्टूडेंट लाइफ से निकल जाके तो ही ना मन्यो। थैंक यू, हैव अ गुड शिफ्ट मैन। ओके जी, गुरपाल थैंक यू, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਯੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਰਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬ్రో, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਜੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਓਕੇ ਬ్రో ਬਾਏ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਾਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਇੰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਕਲੋਥਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੈਸੈਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੰਡ ਲੱਗਣੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਨੋ 'ਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਨੋ ਬੂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਨੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੈਕਟ ਮੋਟੀ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰਮ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ। मेरे साथ हैं अमर, अमर भी स्टूडेंट है। कितनी देर हो गई अमर आया नु? चार महीने हो गए। चार महीने हुए हैं और उनका पहला एक्सपीरियंस है स्नो का, कैसा लग रहा है आज स्नो स्टॉर्म देखकर? भाई जमा नहीं मजा आ रहा है। एंड बिल्कुल जेन्युइन है, जब अभी हमारे पास गाड़ी है तो इजी लग रहा है। जब मैं भी कॉलेज में था, नीतीश है यहाँ, अमितेश है, ऐसा लगता था यार क्यों आए यहाँ, कि आज ही वापस चले जाएं, इतना मुश्किल हो रहा था। अमर अभी बात कर रहे थे, उनका दिल कर रहा है कि गाड़ी लेनी लेनी है, तो उनको हम समझा रहे थे कि ऐसा मौसम रोज़ रोज़ नहीं आता है, सो डोंट एकदम अर्जेंसी में गाड़ी नहीं बाय करनी चाहिए। अहे कहवांगे ब्रो, गिव अप ना करी, स्टूडेंट जर्नी तो निकल जा, बहुत औखा जरूर होंगे वा, बट बहुत वधिया होगा, इतों बाद टाइम बहुत वधिया होगा। एंड आई होप तेरी स्टूडेंट जर्नी बहुत वधिया निकले। थैंक यू ब्रो। भाई तुम इधर जाना, इधर आ जाओ, डोंट वरी आ जाओ। नहीं नहीं, ओके दोस्तों, हमारे साथ है करण। करण भी घर जा रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था, एक गांव से निकले थे तो इनको हमने देखा पूछा। तो करण हम इतना ही कहेंगे ब्रो, तुहानू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टूडेंट लाइफ, इदा ही मेहनत कर दे रहे हो, पिछे ना देखियो, तुहानू बहुत कुछ वधिया निकलूगा स्टूडेंट जर्नी चो। सो साडियां सारे दी बेस्ट विशेस है, थैंक यू ब्रो, एंड मिलांगे फिर कदी तुहानू अगे जर्नी च। ओके ओके ब्रो। गाइस ये थी आज की वीडियो, आपने देखा अभी रात के 8 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। कोशिश की हमने जितने लोगों की हेल्प कर सके, और हमने देखा जितने भी लोगों की हेल्प
हमने आज की, कोई भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं था। तो सारे न्यू इमिग्रेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे जिनको हेल्प चाहिए थी। तो पर्पस ये था ये करने का, कोई शो ऑफ नहीं करना चाहते, कोई कुछ नहीं करना चाहते। पर्पस ये था कि मैंने एक तो मैनिफेस्ट किया था किसी टाइम पे अपने दोस्तों के साथ कि हमारे पास जब गाड़ी आएगी तो हम भी ऐसी हेल्प करना चाहेंगे किसी ना किसी के साथ, जब जो हम सोचते होते थे कि हमारी कोई क्यों नहीं करता था। तो शायद करता भी हो उस वक्त पे कोई, लेकिन हमारी नहीं हुई थी। तो हमने सोचा हम करेंगे जब गाड़ी आएगी। तो आज गाड़ी है, अमितेश की गाड़ी पे आज हम गए। हमने इंस्पायर करने की कोशिश की कि कल को जब उन लोगों के पास गाड़ी आ जाएगी तो वो ऐसे मौसम में या ऐसे टाइम पे लोगों की आगे स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे। आई होप यू गाइज लाइक द कॉन्टेंट। ये है नितेश, ये है अमितेश। वी विल कीप पोस्टिंग। आप ऐसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आई होप यू लव द कॉन्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय गाइज बाय।